नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके PGMS रोहतक के BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करें, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, आप अपने बेसिस पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प लेने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी इशू रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @SC777, उस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, PGMS रोहतक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, आपके एडमिट कार्ड, आपके एग्जामिनेशन के बारे में और काउंसलिंग प्रोसेस में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी आपको समय समय पर हमारे चैनल पे वीडियो माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले से वीडियोज में नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं UHSRCET admissions.in, यहाँ पे आप ये लिंक देख सकते हैं। इस को आपको अपने जो PC या आप अपने लैपटॉप में अगर आप ओपन कर रहे हो, तो इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में, इधर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेंट लॉगिन। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इधर लेटेस्ट न्यूज़, आपके जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे, और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो शेड्यूल है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप शेड्यूल भी देख सकते हैं, जैसे कि आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 9/7 से 23/7 के बीच में है। एडिटिंग आपकी 24/7 तक आप कर सकते हैं, और डाउनलोड एडमिट कार्ड की 27/7 है, और एग्जामिनेशन आपकी 31/7 है। 20 दिन का ही समय बचा है, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। अब आपको अपना फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिए गए रहेंगे, आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए। और फिर आपको करना रहेगा, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन वाला ये चेकबॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है। आप जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे ही कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका जो क्वालिफाइड एग्जामिनेशन है 10+2, और आपका जो 10th की सर्टिफिकेट में जो नाम है एज इट इज़, वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका रहेगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए, और मोबाइल नंबर, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी, दोनों आपके करेक्ट होने चाहिए। उन दोनों वेरिफिकेशन कोड को आप फिल करेंगे तो ही आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी आगे बढ़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है UG कोर्सेज, तो आपकी BSc नर्सिंग, BPT और पैरामेडिकल, इनके लिए एक ही फॉर्म, आपका पोस्ट बेसिक के लिए अलग है, MSc नर्सिंग का, और आपका NPCC का, MPT का। तो इनमें से जैसे हम इस वीडियो में UG कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे आपकी BSc, BPT और पैरामेडिकल के लिए, तो आपको सिंपली ये सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ये सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ पे क्वालिफाई एग्जामिनेशन, जैसे आपके 12th PCBE आपको ये सेलेक्ट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके हैं, तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना। फिर बाकी आपकी डिटेल फिल करनी है, अपना नाम, और फिर ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी, और आपके मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड, आपके पासवर्ड इस तरीके से होने चाहिए जैसे कि आपका एक कैपिटल हो, फिर बाकी आपका स्मॉल लेटर में आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ आप सुमित, और आप कुछ भी ले सकते हो, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए जैसे कि हैश हो गया, या आप और बाकी डिजिट में लेना है जैसे कि 001, इस तरीके से आपको ये पासवर्ड यहाँ पे भी फिल करनी है, यहाँ पे भी, और फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप ओपन होकर आएगा, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नाम आपने फिल किया था वो नाम यह रहेगा, ईमेल आईडी रहेगी, और आपके एक सिक्योरिटी कोड आपकी ईमेल पे सेंड किया गया है, आपको वो ईमेल चेक करनी है और उस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने फिल किए हैं उस पर भी आपको एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पे आपको उस OTP को फिल करना है, जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, और फिर आपको करना है नेक्स्ट आपका कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पासवर्ड आपने जब फिल किए थे वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आपको ईमेल एड्रेस पे या आपके जो मोबाइल नंबर हैं उसको आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर,
प्लस जो आपने पासवर्ड आपने फिल किया था वो दोनों आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इसी के बाद में आपको अपने जो डिटेल्स आपको मिल गई और इसी डिटेल्स आपको लॉगिन करना रहेगा। जैसे ही आप अपने वेरिफिकेशन कोड ईमेल आईडी वाले मोबाइल नंबर वाले फिल कर देंगे, इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, इसमें आपका ये रहेगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं, और यूजिंग इट एंड योर पासवर्ड प्लीज़ लॉगिन टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ में फिर आपको लॉगिन करना रहेगा। जो लॉगिन पेज मैंने आपको दिखाया था अभी शुरू में, आपको उस पेज पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करना रहेगा। अब वापस से आपको बैक आना है, यहाँ से आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन वाला और एप्लीकेशन लॉगिन वाला। अब आपको इस पर क्लिक करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके पास में, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन हो किया जाएगा। इसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने हैं, जो ईमेल पे या आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको वहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं, और आपको फिर फिल करना है आपके पासवर्ड, और ये वाले जो कैप्चा है ये सिक्योरिटी कोड ये आपको इस बॉक्स में फिल करना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो किया जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वाला पेज आएगा, ये पर्सनल डिटेल वाला, इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। आपका नाम ऑलरेडी रहेगा इसमें, आपको फादर नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो, मदर नेम जो 10th की मार्कशीट में एजिटीज है वही, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, जेंडर कौन सा है वो मेंशन करना है, और आपको हरियाणा के बोनाफाइड है या नहीं है वो आपको अगर हैं तो यस आपको क्लिक करना है, और फिर आपको कैटेगरी कौन सी है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे आपकी SC ST डिप्राइव्ड है, BCA BCB EWS जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और फिर आर यू वार्ड ऑफ आर्म पर्सनल ऑफ हरियाणा, तो आप अगर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर लीजिए, और अगर आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से डिपेंडेंट है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे NRI कोटा से अगर आपको लेना है सीट रिजर्वेशन आपका, तो आप यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपके आधार नंबर हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, फिर सेव एंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल वाला, इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 10+2 अगर APR है तो आप वो फिल कर दीजिए, जैसे कि अभी तक आपका मार्कशीट या आपका रिजल्ट नहीं है तो APR आप कर दीजिए, अगर आपका रिजल्ट या मार्कशीट आपके पास में आ चुके तो पास्ट कर दीजिए। तो जैसे पास्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, पास्ट पे आप जैसे सिलेक्ट करेंगे फिर नेक्स्ट आपके आने वाले हैं, ये आपको ऑप्शन फिल करनी है, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड बोर्ड कौन से बोर्ड से है, स्कूल का नाम, मार्क्स सिस्टम जैसे परसेंटेज में है या CGPA में, रोल नंबर कौन सा है, पासिंग ईयर मैक्सिमम मार्क कितने थे, जैसे 500 में से 500 का आपका टोटल जो था वो, फिर आपके कितने मार्क्स आए 500 में से, और परसेंटेज आपको ये मेंशन करने रहेंगे नेक्स्ट वाले में। इसमें जैसे कि एग्ज़ाम है वो आपका कौन सा था, यहाँ पे ये 10th का, ये 10th वाला वो पोर्शन अभी आया आपका, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं समझने के लिए बोर्ड कौन सा था। अब आपको यहाँ पे बोर्ड है ये हरियाणा बोर्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, तो आप कौन से बोर्ड से थे वो सिलेक्ट करना है। स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम, अब नेक्स्ट आपको नेक्स्ट बॉक्स में आपको स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है, और अब आपका जो मार्किंग सिस्टम है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्क सिस्टम है वो आपका क्या था, तो मार्क्स सिस्टम जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज बेस पे था या ग्रेड CGPA था, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपका रहेगा यहाँ पे रोल नंबर, नेक्स्ट बॉक्स में रहेगा रोल नंबर, फिर कौन से ईयर में पास आउट किया था, टोटल कितने मार्क्स का था आपका पेपर, कितने आए, ये 10th की आपको डिटेल फिल करनी है, और कितने परसेंटेज है। अब नेक्स्ट आपके आएगी 12th की आपकी डिटेल, यहाँ पे आपको अपनी 12th की डिटेल है वो आपको फिल करनी रहेगी, वही आपका सेम रहेगा कौन सा बोर्ड था, स्कूल का नाम, आपका परसेंटेज या आपका CGPA था, आपके रोल नंबर फिल करने हैं, कौन से ईयर में आपने पास आउट की, टोटल कितने मार्क्स का पेपर था आपका, कितने आपने गेन किए परसेंटेज, ये 12th की आपने अपनी डिटेल्स फिल कर दी। फिर आपका रहेगा यहाँ पे आपने जो 10th है वो कौन से स्टेट से की है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे करेंगे 10th वाले पे तो यहाँ पे सारे स्टेट हैं उनके नाम दे रखे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने हरियाणा से किए तो हरियाणा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका 12th का आएगा, 12th कौन से की है तो वही सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे 12th के सब्जेक्ट नेम, और सब्जेक्ट नेम के बाद में आपको उसमें कितने मार्क्स का था आपका सब्जेक्ट, कितने आपने गेन किए उस सब्जेक्ट में, और परसेंटेज कितनी है। जैसे कि अब फिजिक्स का आ गया आपका यहाँ पे, फिजिक्स में कितने मार्क्स का था वो आपको यहाँ फिल करना है, और उसमें से कितने मार्क्स आए, मैंने ये डेमो के तौर पर फिल कर रखे हैं यहाँ पे, और फिर आपके कितनी परसेंटेज ये आपके यहाँ पे। फिर केमिस्ट्री का आ गया,
फिर इसी तरीके से बायोलॉजी का, और फिर आपका आ गया इंग्लिश का। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसीबीए में आपके टोटल कितने मार्क्स का हुआ, कितने आपने ऑब्टेन किए, और उनकी परसेंटेज ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वाला है, ये वाला सेक्शन है कि आर यू डिबार्ड फ्रॉम एनी नर्सिंग फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज। इसका मतलब ये है कि आपने जैसे कि पहले पीजीएमएस रोहतक का एग्जाम दिया, या आपने कुछ ऐसी गलती की, आपने बीच में छोड़ दिया, तो अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो 3 साल के लिए आपको डिबार्ड कर दिया जाता है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो अगर आपका उस तरीके से कोई केस है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे ये दिया गया यस और नो का, तो इसका मतलब ये है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आएगा आपका एड्रेस वाला। इसमें आपको जो अपने एड्रेस है वो आपको पूरा फिल कर देना है। ये आप सभी इजीली फिल कर लेंगे, विलेज सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड कौन सा है। अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो ये वाला जो टिक आपको चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो आपका परमानेंट एड्रेस है ये आपका फिल हो जाएगा। ये डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन फिल करना है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल, ये बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए। आपके कोई से भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है आपका, तो ये आपके नाम से ही होना चाहिए बैंक अकाउंट डिटेल। इसमें जैसे कि आपकी जो स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये आपकी इस अकाउंट में आएगी जो आप डिटेल फिल करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए ये वाली, तो आपको यहीं पे ही फिल करनी है। जैसे बैंक कौन सा है वो नेम फिल करना है, ब्रांच कौन सी ब्रांच में आपका जो है वो फिल करना है, यहाँ पे एड्रेस लिख देना उसका, और अकाउंट होल्डर नेम जो आपका बैंक की पासबुक में जो नाम है जिट इज़ वही फिल करना है। अकाउंट नंबर बिल्कुल करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। आईएफएससी कोड आपकी जो आप पासबुक है या चेकबुक है उसमें आपको मिल जाएंगे। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपको फिर करना सेव एंड कंटिन्यू पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये डिटेल आपको आपके नाम से ही होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी जो बैंक वाली डिटेल है ये आपके मम्मी पापा या किसी अदर के नाम से ना, आपके नाम से ही होनी चाहिए। अब फिर आता है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला आपका सेक्शन। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो मैक्सिमम साइज़ है आपकी फ़ोटो की 100 KB की होनी चाहिए, मिनिमम 10 KB की, और फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, JPG फॉर्मेट ही होना चाहिए। जैसे कि JPEG फॉर्मेट नहीं, आपका PDF फॉर्मेट नहीं, या PNG फॉर्मेट नहीं, केवल .jpg फॉर्मेट में ही आपकी इमेज होनी चाहिए। तो आपको अपनी जो इमेज है उसको अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ भी आपके फोल्डर में आपकी इमेज है, फोटो है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आपका अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपके जो सिग्नेचर हैं 100 KB मैक्सिमम फाइल साइज होनी चाहिए, मिनिमम और वही सेम फॉर्मेट है, चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपने सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देना है। अब आता है आपका मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अगर आपने पास्ट सेलेक्ट कर रखा है, आपने जब मैंने आपको बताया था कि आपकी जो क्वालिफिकेशन वाले में आपने अपीयरिंग कर रखा है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपके जो 12th मार्कशीट वाला है ये आपका नहीं आएगा। अगर आपने पास्ट कर रखा है तो आपको फिर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने रहेंगे स्कैन करके। अब इसमें जैसे कि 10th की मार्कशीट चूज फाइल पर क्लिक करना है, JPG फॉर्मेट ही होना चाहिए, मिनिमम 100 KB की फाइल साइज होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 KB की, ये आपको ध्यान रखना। ये फॉर्मेट आपका, इस फॉर्मेट में ही बच्चे गड़बड़ी करते हैं, फिर उनको दिक्कत आती है कि सर हमारे ये अपलोड नहीं हो पा रहा, हम क्या करें। तो ये आप फाइल साइज और ये फॉर्मेट जरूर चेक कर लीजिए। चूज फाइल पर क्लिक करना है 10th की मार्कशीट, 12th की आपकी मार्कशीट चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ भी आपकी वो आपको क्लिक कर लेना, आपको अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट आता है ये जो सारे के सारे ये स्टार लगे हुए हैं, ये स्टार अगर आप इस जो स्टार लगे हुए हैं आप इनको अगर कंप्लीट नहीं करेंगे, इनको अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ज़रूर समझ लीजिए। अब इसमें जैसे कि आपने 12th की मार्कशीट वगैरह आपको अपलोड करनी है स्कैन करके, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लास्ट जो स्कूल से पास आउट किया है, आपने 12th जहाँ से पास आउट किया उसका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। हरियाणा का रेजिडेंट सर्टिफिकेट सभी कैटेगरी के लिए आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे आगे की जो हरियाणा के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो आपको मिल पाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी केवल हरियाणा के जो रेजिडेंट है वही इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। तो आपको अपना जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है हरियाणा का वो ज़रूर अपलोड करना है। EWS कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा जारी किया होना चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट का, तो वो अपलोड करना है। सेंटर का नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, हरियाणा गवर्नमेंट का ही। और यहाँ पे है इनकम सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे देखिए स्टार नहीं है,
यहाँ पे स्टार नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शनल है, तो आप चाहे तो आप इसको अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे ही अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास में आएगा कन्फर्म फील इन्फॉर्मेशन। तो आपने जो भी डिटेल फिल की है वो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके जो नेम है या फादर नेम है, मदर नेम, जो भी आपने डिटेल फिल की है वो सारी एक बार आप चेक कर लीजिए, से क्वालिफिकेशन डिटेल सही है या नहीं है, क्योंकि बाद में फिर आपके दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले ही अपनी सारी डिटेल है वो चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी डिटेल आपके द्वारा सही फिल की गई है। और अगर आपने सही फिल की है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन वाला ये चेकबॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने सही फिल नहीं की है, आप एडिट करना चाहते हैं, तो इस एडिट वाले एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आप अपनी जो डिटेल है उसको एडिट कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट करना सेव एंड कंटिन्यू। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, इसमें आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, ओके पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस वाला जो सेक्शन है उस पर आपको यहाँ पे रिडेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको एडिट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो पेमेंट मोड है वो किस किस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा, दो ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, एक तो पे एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन और दूसरा रहेगा एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फीस पे करने के लिए, आपको इस वाले पे एप्लीकेशन फीस पे। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका काउंसलिंग एंड एडमिशन ऑन SC4 डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो इस डिपार्टमेंट के पास में आपकी जो फीस आएगी, इसमें आप यहाँ से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या आप NEFT से जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड से आप इससे कर सकते हैं। UPI से आप नहीं कर पाएंगे, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, उससे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, केवल आप उन्हीं से ही आप अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पर आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको जो पेमेंट मोड है वो आपका यहाँ पर आपको पास में शो हो जाएगा। या आप अगर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, तो सारे पेमेंट मोड यहाँ पे दिए गए हैं UPI के अलावा। तो आप अपना पेमेंट कंप्लीट करके इस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड इशू है वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है, तो इस कम समय में आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑब्जेक्टिव ई बुक, अभी इस लास्ट टाइम में आपको केवल ऑब्जेक्टिव ई बुक को फोकस करना है, जिसमें चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के, और प्लस आपको मॉक टेस्ट पेपर, इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना। आपके पास में 20 डेज का ही टाइम है, 20 डेज आपके लिए सफिशियंट रहेंगे इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी जो 3-in-1 ई बुक है, जिसमें आपके 11th और 12th NCERT बेस्ड जो आपका सिलेबस है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट आपका हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो ये आप ज़रूर अवेल करें। इसी तरीके से जो आपके 30 मॉक टेस्ट पेपर हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, वो भी आप अवेल करके आप ऑब्जेक्टिव से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉक टेस्ट पेपर से आप अपना एवेल्यूएशन कर सकते हैं कि कितना आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छा स्कोर करेंगे तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगी, अदरवाइज स्टडी सभी करते हैं, विनर वही होता है जो लास्ट टाइम स्टडी फॉलो करके और अपना पूरा एफर्ट डालता है। और इससे के लिए आपको अपनी ऑब्जेक्टिव बुक को फॉलो करना है और साथ ही आपको मॉक टेस्ट पेपर अवेल करने के लिए, दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल सेम सी हैं, ई फॉर्मेट में ही अवेलेबल है। आपको बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड हो उसे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी यहाँ पे दी है, तो पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद आपको ईमेल पे भी ऑटोमेटिकली एक मेल सेंड किया जा सकता है, उस मेल में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप अपनी ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं PGIMS के BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BPT एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये आपका जो 30 मॉक टेस्ट पेपर हैं बिल्कुल कम कॉस्ट में आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, जो कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है।
तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना, वही सेम प्रोसेस है, अपनी डिटेल फिल करनी है, पेमेंट कंफर्म करना है और अपनी फाइल को डाउनलोड करना है। तो इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को 20 डेज में आप सफिशियंट है कि आप इनको फॉलो करें और आप अपना सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी डाउट हो, कोई भी शो कमेंट बॉक्स में पूछें या इंस्टाग्राम फॉलो करके जानकारी ले सकते हैं, मेरी टेलीग्राम आईडी वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।